पीछे आप लोग देख सकते हैं दुनिया का वाहिद 7-स्टार होटल जो कि हकीकत में नहीं है, देखो लंबोर्गिनी। और वो है दुबई आई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो पिछले व्लॉग आपने देखा कि मैंने आप लोगों को दिखाया दुबई, मगर फुल नहीं दिखाया क्योंकि वो वीडियो पर लंबी हो जाती ना, अगर सारा दिखाता तो एक व्लॉग में दुबई को कवर करना बड़ी मुश्किल बात है। तो जो कुछ रह गया है उसको कोशिश करूँगा कि अभी उसको कवर कर लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। और मैं इधर बैठा हूँ इधर होटल के लॉन्च में। ये लॉन्च कुछ इस तरह का है और ये व्यू है, ये भी टेबल है। तो चलते हैं बाहर, चलो जाते हैं। ये है मेट्रो स्टेशन। अभी मैं हूँ टी कॉम एरिया में। ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है, होटल है और फ्लैट वगैरह ये सब। और इसके उस साइड अपोजिट साइड है दुबई इंटरनेट सिटी। ये है मॉल ऑफ इमारत और अंदर में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लेट है और मुझे और जगह भी विज़िट करने हैं। अभी जाऊंगा सीधा ये बुर्जुल अरब, यहाँ से बस पकड़ के और वहाँ से फिर जाऊंगा मरीना। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं दुनिया का वाहिद 7-स्टार होटल जो कि हकीकत में नहीं है, बुर्जुल अरब। और इनका स्टे वन नाइट स्टे रेट है 4000 दरहम से लेकर 84,000 दरहम तक। तो बुर्जुल अरब देखने के बाद हम आ गए JBR पे, जुमेरा बीच रेजिडेंस, और जा रहे हैं सीधा दुबई आई देखने के लिए। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं दुबई आई। तो वॉक कर रहे हैं, ये सारा मरीना एरिया है, ये देखें। JBR का मेन स्ट्रीट, जाते हैं आगे। वो है सामने दुबई आई। Thank you.
टाइम की कमी की वजह से हम उधर नहीं गए ब्लू वाटर आइलैंड, क्योंकि टाइम बहुत कम है यार, और दुबई को विज़िट करने के लिए टाइम बहुत चाहिए, टाइम भी चाहिए और मौसम भी अगर अच्छा हो तो। पर क्योंकि दिन के वक्त हम नहीं निकल सकते ना, टाइम भी होता है लेकिन दिन के वक्त तो हम नहीं निकल सकते, तो इस वजह से रात को निकलते हैं और रात को ये जगह विज़िट कर देते हैं। तो मुश्किल होता है सारी जगह 4-5 घंटे में देखना। तो आज डिनर करना है एक पंजाबी रेस्टोरेंट में। तो इस जगह का नाम है अल हुबैबा और इधर ये छोटा सा रेस्टोरेंट वेट कर रहे हैं डिनर का। तो डिनर आ रहा है और आ गया हमारा डिनर रेडी है। डिनर डन हुआ और अभी बस जा रहे हैं वापस रूम, क्योंकि लेट है, तकरीबन क्या है 11 बजे। हाँ 11 बजे, तो बस जाते हैं वापस रूम। तो अभी मैं खड़ा हूँ यूएई का सबसे पहला खलीफा जो था, जो शेख खलीफा बिन सईद अल मक्तूम, उसका घर है ये, उसके घर के ये उसका घर था। रात का टाइम है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस एरिया को मरीना कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ तक ये सारा मरीना में आता है, और साथ में इस साइड पे है मरीना बीच। ये है मरीना बीच और इस साइड पे है मरीना टावर। और वो है दुबई आई। और यहाँ पर लंबरगिनी, फरारी वगैरह देखना, बहुत हर जगह आपको मिल जाएगी इसी तरह। देखो लंबरगिनी, ये है राफेल्स होटल, बहुत ही खूबसूरत होटल है, 5-star होटल है, जो कि इधर दुबई हेल्थ केयर सिटी में वाकई है। इसकी उस साइड पे है वाफी माल, और इधर भी जाएंगे अंदर और उसके बाद आपको दिखाएंगे वाफी माल की किस तरह है। तो चलो चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत बना है यार वाफी माल को, बहुत ही अच्छा, ये देखो।
है जुमेरा लेक, ये देख सकते हैं ये सारा जुमेरा लेक, और रेतों में ऊपर हमारा फ्लैट, और ऊपर से भी फिर आपको दिखाऊंगा व्यू। ये सारा है जुमेरा लेक, और ये इसको कहते हैं जुमेरा लेक टावर्स। ये सारा जुमेरा लेक टावर्स है। ये देखो मुझे जाना है 41 पे, और 41 से मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से व्यू किस तरह आता है। दिखाता हूँ आपको, वाओ इस साइड भी स्विमिंग पूल है, और इस साइड पे वो व्यू है जुमेरा लेक का। ये देखो ये है वो जगह जो मैं आपको बता रहा था कि मैं ऊपर से भी आपको दिखाऊंगा। ये है लेक, और ये सारा जुमेरा लेक, इसको जुमेरा लेक टावर कहते हैं इस सारे टावर को। तो दिखाता हूँ उस साइड पे स्विमिंग पूल भी, 9 बजे खोलता है तो 9 बजे पर नहाएंगे। अभी बादल वादल है, मौसम थोड़ा बहुत अच्छा है, और सुबह के 7 बजे हैं अभी। स्विमिंग पूल अभी अभी तक नहीं, अभी नहीं खोला है मेरे ख्याल में, 9 बजे तो देखते हैं। ये व्यू बहुत खूबसूरत है यहाँ से। ये देख, और वो है शेख जायद रोड जो जाता है सीधा अबू धाबी। ये है स्विमिंग पूल, तो इस वीडियो का इंतजाम यहीं पे करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।